Hi friends, my name is Dr. Amit and I'm going to talk to you about this wonderful technique of hair transplant जिसको हम बोलते हैं आई प्लांट टेक्निक. आई के दो मीनिंग्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा. सो हेयर ट्रांसप्लांट की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं एंड डिवाइन को आप लोग इतने सालों से ट्रस्ट कर रहे हैं. हम लोगों ने 7,500 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स कर लिए हैं इन द लास्ट 15 years एंड वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग वॉट इज नोन एज द आई प्लांट टेक्निक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट. सो इसमें क्या करते हैं, FUE प्रोसेस या FUT प्रोसेस से हम लोग बाहर बालों को निकालते हैं. वी टेक आउट द रूट्स यूजिंग आइदर द FUE और द FUT प्रोसेस. सपोज दिस इज द स्कैल्प, देर इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसके आगे एक नीडल होती है. अब इसका मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं आपको. सो दिस इज द नीडल और इसके अंदर एक पिस्टन होता है. व्हाट वी डू दैट हम लोग हेयर रूट, जो कि हेयर रूट है, हेयर रूट को हम इस ओपनिंग में यहां पे फिट करते हैं. ये हमारी रूट है. सो एक इंस्ट्रूमेंट से हम इस ओपनिंग में हेयर रूट को फिक्स करते हैं एंड देन वी पुश दिस पिस्टन डाउनवर्ड्स. सो एज वी पुश दिस पिस्टन डाउनवर्ड्स, ये जो स्किन है हमारी, ये बहुत शार्प एज होता है. इट गोज इनसाइड, वी पुश द पिस्टन एंड रूट यहां पे इस तरह से डिपॉजिट हो जाती है. सो हमको कोई प्री स्लिटिंग, कोई कट्स लगाने की जरूरत नहीं है. रूट इमीडिएटली इसके अंदर डिपॉजिट हो जाती है. द एडवांटेज एज अ पेशेंट, आपको क्या एडवांटेज, वन, फास्टर रिकवरी, ब्लड क्लॉटिंग बहुत कम होती है सर पे. सेकेंडली स्वेलिंग बहुत कम आती है. थर्डली जो आई प्लांट, आई का क्या मतलब, आई मैं, सो ओनली डॉक्टर्स विल बी डूइंग द इम्प्लांटेशन. दिस इज द ओनली टेक्निक जहाँ पे आप एज अ पेशेंट, तो इसमें कोई टेक्निकल टीम्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं. डॉक्टर आपके प्रोसीजर की इम्प्लांटेशन करेंगे अलॉन्ग विद द टीम. सो ये इकलौती टेक्निक है. अगर आप कहीं पे भी FUE वगैरह कहीं पे भी करा रहे हैं तो आप देखेंगे कि लार्जली इम्प्लांटेशन असिस्टेंट्स करते हैं. डॉक्टर्स बहुत लिमिटेड उसमें प्रोसीजर करते हैं, बट आई प्लांट टेक्निक में आपको डॉक्टर का पूरा टाइम मिलेगा. डेंसिटी will be much higher अगर हम लोग इस टेक्निक को यूज़ करेंगे. सो लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑल कि हमने जैसे ही बाल निकाले आपकी इम्प्लांटेशन इमीजिएटली स्टार्ट हो सकती है. सो नो डिले, एब्सोल्युटली इमीजिएट इम्प्लांटेशन. आपका हेयर बॉडी से बहुत देर तक बाहर नहीं निकलेगा. विद इन 1 आवर आपकी इम्प्लांटेशन शुरू हो जाएगी. सो ये आई प्लांट टेक्नोलॉजी. ऑफकोर्स कन्वेंशनल टेक्निक से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी. इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स वी एक्सपेक्ट डेफिनेट इम्प्रूवमेंट ओवर करेंट टेक्निक्स एंड दिस इज सम ऑफ द थिंग्स दैट हम लोग एक न्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं टू इम्प्रूव रिजल्ट्स फॉर यू एज अ पेशेंट. सो थैंक यू सो मच. आई एम गोइंग टू नाउ शो यू किस तरह हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं. हाई फ्रेंड्स, सो आई एम गोइंग टू शो यू लाइव हम लोग आई प्लांट टेक्निक कैसे करते हैं. एंड सो दिस इज द स्पेशल इम्प्लांटर्स दैट वी हैव और इसके अंदर बालों को स्टिल किया गया है. एंड वी जस्ट गो इन, जहाँ हमको बाल लगाना है, go in and with the piston we push the hair in. Now the advantage, मैंने अभी थोड़ी देर पहले created a video for the same. The advantage is we don't have to create any spaces. We can get as much density as we like. So आप देख पा रहे हैं कितनी fast हम लोग बालों को लगा पा रहे हैं and बालों की direction भी हम जैसी चाहें वैसी create कर सकते हैं. So this is something जो अब हम लोग eye plant technique को अब हम लोग रूटीनली कैरी आउट कर रहे हैं डिवाइन पर. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू हाउ इट इज़ डन. सो नॉर्मली हम लोग जो कन्वेंशनल टेक्निक है जो इस तरह करते हैं, बट नाउ वी आर मिक्सिंग टू टेक्निक्स टुगेदर एंड इन एरियाज में हम लोग आई प्लांट टेक्निक से प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे. सो अगेन आप देखें, थोड़ा सा पास में आ जाओ.